सॉरी, ये ग्राउंड ग्लास अपेयरेंस नहीं है, यहाँ पे आप इंटेस्टिनल कॉइल्स देख सकते हो। चेस्ट के अंदर तो क्या डिस्क रहा था, चेस्ट एक्सरे, तो एक्सरे पीए व्यू है। ओके, तो इसमें जो लेफ्ट का हेमिथोरेक्स है वो रेडियो लूसेंट रीजन से भरा पड़ा है, और इसमें जो कार्डिक शेडो है वो राइट की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब लेफ्ट की तरफ पास कर रही है, ठीक है, और अम्ब्लाइकल कैथेटर अपनी जगह पे है, और कोई गैस नो कन्विंसिंग गैस कंटेनिंग बबल कैन बी सीन इन एब्डोमन, तो एब्डोमन के अंदर कोई बबल नहीं है। तो कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर होता है, और कौन सी प्रिकॉशन करनी है रिसेसिटेशन में, तो जो अम्बू बैग है आपने इस्तेमाल नहीं करना, ईटीटी आपने पास करनी है, वेंटिलेटर पे लगाना। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर व्हाट इज द ग्रॉस मोटर एज, तो ग्रॉस मोटर एज में क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया, तो क्रॉलिंग 10 महीने पर स्टार्ट करते हैं, स्टेयर्स की क्लाइंबिंग 18 महीने पर स्टार्ट करते हैं। नेम टू कंडीशन लीडिंग टू डिले डेवलपमेंटल डेवलपमेंट, तो सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम या टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद व्हाट इज दिस प्रोसीजर, तो ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस है जिसके अंदर आपको पेरिटोनियल कैथेटर नजर आ रहा है, तो किस कंडीशन में करेंगे, अगर एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है जिसमें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, या ड्रग पॉइजनिंग है, या पोस्ट आफ्टर कोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। ओके, तो व्हाट इज दिस कैटेगरी, तो नंबर वन देखो मेल और फीमेल अफेक्टेड है, बराबर है, तो ये ऑटोसोमल वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑटोसोमल के अंदर और आपने क्या नोट करना है, यहाँ पे देखो कजन मैरिज की भी हिस्ट्री है, तो ये क्या ऑटोसोमल रिसेसिव वाली केस में आ जाएगा। ओके, तो ऑटोसोमल रिसेसिव एंड गिव द रीजन फॉर डायग्नोसिस, तो आपने इसमें देखना कि स्किप जनरेशन इसमें है। नंबर टू मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड है। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या है, तो उसमें कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजी आ जाएगा। ओके, तो इसका म्यूमोनिक आप रट्टा मार सकते हो, कैट से रट्टा मार सकते हो, वैसे यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पर कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, एटिक्सिया, टेलेंजेक्टिजिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, विल्सन डिजीज, तमाम मेटाबॉलिक डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसके बाद व्हाट इज दी, तो लेरिंजोस्कोप है, लेरिंजोस्कोप डायरेक्ट लेरिंजोस्कोप है, तो ये जीएमए जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन है, वॉइस प्रॉब्लम के कॉज को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, या आप डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को वैल्यूएट करने के लिए, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पस है। फीवर है, कफ है, फॉर 4 डेज है। ओके, मेडिकेशन दिया है, मेडिकेशन के बाद रैशेज आना शुरू हो गया, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर आ जाता है, सॉरी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, उसमें हाँ फीवर कफ नहीं होता, उसमें ट्रॉन्सिलाइटिस होता है, तो ये मेडिसिन की बात होता है। तो इसकी टियालॉजी क्या, ड्रग सल्फोनामाइड एनसेड की वजह से, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से हो सकता है। कैसे ठीक करोगे, आपने ड्रग को डिसकंटिन्यू कराना होता है। ओके, आइस के केयर करनी होती है, आईवी फ्लूइड देना होता है, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह आपने देनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज दिस कंडीशन, तो आप देखो गोमड़ा सा बना हुआ है, एसवीडी से हुआ हुआ है, तो ये गोमड़ा ये क्या है, ओके, तो ये कैपोट सिकेंडम है, ठीक है, कैपोट सिकेंडम है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेफलो हीमाटोमा और सब गेलियल हैमलेज आ जाएगा, और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, फर्स्ट हफ्ते में खुद ब खुद गायब हो जाता है। इसके बाद व्हाट इज दिस, तो ओपीडी में आया है, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन इन क्लॉस एंड बेड, 7 साल का है, तो ये नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है। तो क्या पॉइंट्स आप पूछोगे, हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री पूछोगे, पैटर्न ऑफ एन्यूरेसिस प्राइमरी या सेकेंडरी है, स्लीप डिसऑर्डर की हिस्ट्री लोगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को चेक करोगे, डायग्नोसिस मैनेजमेंट में काउंसलिंग करोगे, मोटिवेशनल थेरेपी है कि रात को जगा दे आप, ठीक है, नाइट अवेकनिंग बाय पेरेंट्स 1 आवर आफ्टर द स्लीप है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट में डेस्मोप्रेसिन टीसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, 1 मंथ ओल्ड चाइल्ड एमरजेंस आपके पास आया विद अ कंप्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग, तो जो प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग आती है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, तो ये हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में आता है। ब्लड पिक्चर भी दी हुई है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड पिक्चर में यहाँ पर ब्लड पिक्चर यानी यहाँ पे दिया है, तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाली हिस्ट्री है, देखो 7.31 से पीएच ज़्यादा, 7.41 से ज़्यादा हुई हुई है, तो पोटेशियम भी कम हुआ पड़ा, तो हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से होती है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमन कराओगे, और पाइलोरोमायोटोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, जिसको यहाँ पर वर्ड है रैमस्टेड लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि न्यू बॉर्न पीरिट्रम बेबी है, जिस्टेशन एज 30, ठीक है, ओके, तो पूरा देखो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, ठीक है, और ये वो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो चेस्ट एक्सरे क्या, चेस्ट पीए व्यू होता है जिसमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, डायग्नोसिस रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, सरफेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह दे सकते होते हैं। इसके बाद बट अगर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम अ माइनर ट्रॉमा और सिमिलर एपिसोड है, नो विसेरोमेगाली, लोन लिम्फेडिनोपैथी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कंट्रोल है, ब्लीडिंग टाइम ये है फलाना फलाना, तो एपीटीटी कंट्रोल, तो यहाँ पर डायग्नोसिस क्या होगा, तो यहाँ पर वॉन विलिब्रन डिजीज होगा जिसमें एपीटीटी टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्रायो प्रेसिपिटेट देते हैं, डेस्मोप्रेसिन एसिटेट देंगे, टाइप 1 में प्लाज्मा डिराइव्ड वॉन विलिब्रन फैक्टर देंगे जिसमें कंसनट्रेट होती है। व्हाट इज दिस, लंबर पंक्चर है, किसमें करते हैं, मेनिनजाइटिस एंड एनकेफलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिनजाइटिस सब रखना है, हेमरेज में करते हैं या इंट्राथिकल कीमोथेरेपी में करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन किया अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है या फोकल फेट्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लॉटिंग डिसऑर्डर या स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है। ओके, तो सेट विदाउट सपोर्ट है, तो एक इसमें आता है 8 महीनों में आ जाता होता है, एट विच एज जिसमें स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है तो वो 7 महीने में आती है, और पिंसर ग्रैब 10 महीनों में आ जाता है, सर्कल ड्रा करना 3 साल में आ जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो ये क्या है, राइट साइडेड प्लूरल एफिन आपको देखने को मिल रही है, एक्सरे चेस्ट पी ए व्यू है, शिफ्टिंग और ट्रैकिया टू द लेफ्ट साइड है। ओके, तो ट्रैकिया की जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट साइड पे हुई है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन शो हुई है जिसमें आपको राइट साइड की कार्डियोफ्रेनिक एंड द कोस्टोफ्रेनिक एंगल है और मैंने इसका साइन भी नजर आ रहा है। तो राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन इसका जो कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। ओके, व्हाट इज द फेशियल फीचर, द फेशियल फीचर अगर आप देखो तो अपवर्ड स्लैंटिंग आइज है, ठीक है, यानी आइज थोड़ी टेढ़ी हुई पड़ी है, लो सेट ईयर्स है, फेशियल यानी इसका जो फेस है थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है, जो नेजल ब्रिज है वो भी फ्लैट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, एपिकेंथल फोल्ड है, तो डाउन सिंड्रोम में होता है प्रेगनेंसी में। आपने क्या कर सकते हैं, अल्फा फेटो प्रोटीन का लेवल एंड कंजुकेटेड एस्ट्रायोल और एस सी जी का लेवल 12वें वीक पर या सी वी एस एमनियोसिंथेसिस या अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर, तो इस डायग्राम में गिने हुआ फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड है, तो एक्सलेंट डोमिनेंट है, तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको नो स्किप जनरेशन है। ओके, देर इज नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन है, तो इसमें हाई एक्सलेंट हाइपोफॉस्फेटमिक रिकेट्स है, सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, इसके अलावा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें आ जाती होती है। ओके, तो इसके बाद है कि अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है, फीवर है और वेजिकुलर रैश है, फीवर वेजिकुलर रैश जिसमें आता है चिकन पॉक्स में आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द कोर्स, तो सबसे पहले एक्जेंथीमा होगा 3 से 6 दिन में, फिर वो फेस टू ट्रंक, फेस से ट्रंक की तरफ जाएगा, रेड मैकुलर रैश हो गए, रेड मैकुलर रैश किसमें कन्वर्ट होगी, वेजिकल में, मैकुलर वो आगे पोस्टियोल क्रस्टिंग स्कैब की फॉर्मेशन होगी, फिर स्कारिंग नहीं होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर एक्सपोजर वैक्सीनेशन करते हैं विद इन 3 to 5 days। ओके, इसके अलावा वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिंस दे सकते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन या न्यू बॉर्न्स के लिए विद इन द 96 आवर ऑफ एक्सपोजर।